जो आपने प्रश्न पूछा एमएलए का, देखिए हर पार्टी में होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलती वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की कोशिश की जाती है, कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नाराज होकर दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। अगर हम उनका कचरा लेना चालू कर दे, आज शाम तक मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 कांग्रेस के एमएलए हमारी पार्टी में शामिल। अगर ये कंपटीशन ही करना है कि उनके कितने और हमारे कितने, हमारे तो दो ही गए हैं, उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। तो ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। उनका प्रश्न है कि क्या उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी है। देखो 2-3 चीजें सीएम फेस का पूछ रही हैं, मेरे को पता था ये तो पूछेंगे। पहली चीज ये जवाब देने दो, मेरे को पता था ये पूछेंगे। सबसे पहले हर पार्टी या तो सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करती है और या नहीं करती है। अगर करती है, सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करने के बाद चुनाव फिर ऊपर 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 ही जा सकता है, वो फिर नीचे नहीं आ सकता, वो पीक पे ही जा सकता है। जो जो पार्टी चुनाव के पहले ये रणनीति बनाती है कि हम सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, वो बिल्कुल चुनाव के करीब आने के ऊपर करती है, कोड लगने के करीब आने पे या कोड लगने के बाद करती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, पिछली बार कैप्टन साहब को चुनाव 4 फरवरी को थे, कैप्टन साहब को 1 हफ्ता पहले कांग्रेस ने सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने, रूलिंग पार्टी है पंजाब की, उन्होंने अपना सीएम क्या, वो नहीं बता रहे कि सिद्धू साहब बनेंगे कि रंधावा बनेंगे कि चन्नी साहब को ही कंटिन्यू करेंगे, वो अभी बता ही नहीं रहे। उधर उत्तर प्रदेश में चले जाओ, उत्तर प्रदेश में योगी साहब को उनके डिप्टी सीएम, दो तीन डिप्टी सीएम सारे कह रहे हैं जी इस बार सीएम कैंडिडेट नहीं करेंगे, हम तो लोटस पे कमल पे चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं है, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट कौन होगा पता ही नहीं, कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट कौन होगा हरीश रावत होंगे कि उनके वो होंगे पता ही नहीं। गोवा के अंदर चुनाव हो रहे हैं, गोवा के अंदर बीजेपी का सीएम कैंडिडेट रोज बेचारा सीएम घूम रहा है, दिल्ली के चक्कर काट रहा है, मेरे को अभी किसी पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया। मैं आपको ये अश्योरेंस दे रहा हूं, बाकियों से पहले कर देंगे हम।